अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अखिलेश ने योगी से लेकर मोदी सरकार पर चुन चुन कर निशाना साधा। महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरते हुए अखिलेश ने कहा कि महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। अखिलेश ने पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर की रोज बढ़ती कीमतों पर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर भरपेट खाना भी नहीं खा पा रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आंकड़ा इसका गवाह है। और साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा भुखमरी है। जो सरकार आज सत्ता में है, बहुत भरोसा दिलाया जनता को उन्होंने, और जनता ने भी इतना वोट दिया कि सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत गए, बड़ी संख्या में विधायक जीत गए। और सरकार ने यह दावा किया कई मौकों पर, जब दिल्ली ने यह कहा कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा कि हम भी 1 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना ले जाएंगे। महंगाई को लेकर के यह दावा किया गया था कि सत्ता में आते ही महंगाई को रोकने का और नियंत्रण करने का काम किया जाएगा, लेकिन जब आज हम महंगाई को देख रहे हैं, सुबह की चाय से लेकर के और शाम के खाने तक का अगर हिसाब किताब लगाएंगे, और जितनी भी चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं, आज उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी है, और तमाम हमारे गरीब मजदूर ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज खाने का इंतजाम नहीं है, भर पेट खाना भी नहीं खा सकते। आज यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी, और जिस समय ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में आंकड़े सामने आए हैं, जो भारत आगे बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं भुखमरी से लड़ना था जिस भारत को, यहां की सरकारों को वो इंतजाम करने थे, लेकिन वो इंतजाम नहीं किए, आज भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल से भी पीछे छूट गया है। तो जो लोग सपना दिखा रहे थे 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, उत्तर प्रदेश की सरकार 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, और हमारे लोग भूखे सो जाएं, जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में ये आंकड़े निकल करके आए कि सबसे कम वजन के बच्चे अगर कहीं है तो भारत में है, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं, ये आंकड़े अगर आए तो ये आंकड़े इसीलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।